आइए देखते हैं एमसीक्यू यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन कैसे हैंडल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि किसी भी पूर्णांक एम के लिए सम पूर्णांक किस रूप में होता है। तो सम पूर्णांक हमेशा इस वाली फॉर्म में होगा, या तो 2x होगा या 2p या 2m या 2q, इस तरह से लिखे जाते हैं। मतलब दो का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई पड़ेगा जो 2m की फॉर्म में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस बार। अब कह रहा विषम पूर्णांक कैसा होता है। तो विषम पूर्णांक क्या होता है, इवन नंबर में एक जोड़ देते हैं, इस वाली फॉर्म में होता है 2p+1, 2m+1। तो 2q+1, दो से एक ज्यादा, दो का मल्टीपल है 2 की और एक ऐड कर दो तो विषम होता है। केवल अगर दो का मल्टीपल लिखा है ऐसे तो ये सम है, और अगर 2q+1 लिख दें तो ये विषम है। मेक श्योर टू रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि n² - 1 8 से विभाज्य कब होगी। तो हीट एंड ट्रायल लगाते हैं, n की जगह 1 2 3 4 पुट करते हैं, पता चल जाएगा। तो n² - 1, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 0। अब 0 तो सभी संख्याओं से कट जाता है। अब n इक्वल टू रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 1 3। अब ये तो 8 से डिवाइड नहीं होता है। अब एन इक्वल टू रखेंगे 3, जब एन इक्वल टू 3 पुट करेंगे ना इसमें, 3 का स्क्वायर, n² - 1 है ना, n² - 1, एन की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8, अब 8 है, 8 से कट जाएगा। लेकिन अब इसको वेरीफाई करेंगे, 3 रखा है, 5 रखा है, 7 ये रखें तो पता चल जाएगा। अब 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में जगह 24, ये भी 8 से कट जाता है। 7 रखें, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से जगह 48, ये भी 8 से कट जाता है। मतलब एन एक विषम संख्या होगी तभी हमेशा 7 वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विषम संख्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 और 117 का जो एस सी एफ है उसका रूप ऐसा है, तो एम का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका एस सी एफ निकालते हैं, 65 और 117 का। 65 और 117, 65 का मतलब होता है 13 × 5, और 117 का मतलब होता है 13 × 9। इनका एस सी एफ कितना होगा, एस सी एफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ इक्वल्स टू कॉमन क्या, 13, और इसकी जो शक्ल है वो कैसी है, इस फॉर्म में है, 65m - 117 इक्वल टू 30। यहाँ से एम की वैल्यू निकाल देंगे, वेरी इजी। 65m इक्वल्स टू ये 117 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 13 + 117 कितने हो, 17 3 20 10 30, 130। 65 का डबल होता है 130, m = 2 आंसर। ऑप्शन बी 2 इज द राइट आंसर, वेरी इजी। जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि एस सी एफ इसकी फॉर्म में, एस सी एफ निकाल के इसके इक्वल कर दो, जो भी गिवन है वहां से के पी एम आर जो भी दिया हो उसकी वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल दे। इस टाइप के क्वेश्चन में जो शेषफल दिया जाता है ना, इसको माइनस कर देते हैं पहले से ही। तो 5 इसके लिए, 70 के लिए, 8 है, 125 में क्रमशः बड़ी हो ना, क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से। 70 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 65। 125 में 8 जाएगा तो 117। और इनका एस सी एफ तो अभी निकाला है, दोनों ही 13 की टेबल में आते हैं, खत्म खेल। 13 इज द राइट आंसर, ये लिखा है अभी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर कह रहा ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, तो एस सी एफ क्या होगा, निकालते हैं एस सी एफ कितना होगा। ए की वैल्यू है x³ / स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है,
एक्स वाई क्यूब। तो एस सी एफ निकालते हैं, एस सी एफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स और एक्स क्यूब में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी। वेरी इजी क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम निकालो, एलसीएम भी निकाल देंगे कौन सी मुसीबत, पी इक्वल टू है ए बी स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है ए क्यूब बी। अब एस सी एफ निकाल देंगे, एस सी एफ कहाँ, एल सी एम पूछा गया, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एल सी एम, एल सी एम में क्या बड़ी पावर लिखी जाती है, ए क्यूब और ए की पावर 1 में सबसे बड़ी पावर ए क्यूब है, यहाँ बी स्क्वायर और बी में कौन सी बड़ी पावर है, बी स्क्वायर है, ए क्यूब बी स्क्वायर है कहीं, ऑप्शन सी, ए क्यूब बी स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्येतर परिमेय संख्या, शून्य से बड़ी परिमेय संख्या लेनी है और एक अपरिमेय संख्या लेनी है, एक परिमेय संख्या उठा ले कोई और एक अपरिमेय उठा ले, परिमेय संख्या मान लो 2, अपरिमेय संख्या मान ले, ये अपरिमेय है, रूट के अंदर जो लिखा होता ना वो अपरिमेय, खुले लिखा है वो परिमेय है, और इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, तो ये हमेशा ऐसी कैसी मिलेगी संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या मिलेगा, ध्यान रखना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, रेशनल इनटू इरेशनल इक्वल टू ऑलवेज इरेशनल। तो ऑप्शन ए, सदैव अपरिमेय संख्या, कोई सी भी उठा लो, एक और लेते हैं जैसे 3 ले लें और 5 ले लें, 5 क्या है, परिमेय है, 3 क्या है, अपरिमेय, 5 × √3 क्या, 5√3, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं कौन सी होती हैं, 1 से 10 तक संख्याएं दोनों शामिल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन जो संख्याएं हैं ना ये 1 से लेकर 10 तक, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी से कौन सी संख्या कट जाती है। अब 10 तो 3 से नहीं कटता है, ना 100 3 से कटता है, अब ये 504 5 से नहीं कटता है, 4 में 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक ही सही बचा, जैसे लिखा है 127/2^3 × 5^4, तो पहले फैक्टर करेंगे 2 और 5 के टर्म में, सबसे पहले अपॉन में 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ है तो पूरा कटेगा नहीं, वो जैसे × 7 लिख दें तो ये तो पूरा कटेगा नहीं, आसान था ये, अब जैसे 127/2^5 × 5^3 लिखा है, नीचे 2 और 5 होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं, फिर जो पावर बड़ी है 2^5 है, 5 की 3 है, इन दोनों में जो भी बड़ा है वही आंसर होता है। तो जो 1250 है ना इसको लिखेंगे इस तरह से, 5^4 है, 2^1 है, तो 4 और 1 में बड़ा कौन है, 4, तो 4 आंसर होगा इसका, तो डिवाइड करेंगे ना तो कुछ डेसिमल है वो 4 अंक के बाद, तो आएगा 11.6696, तो 4 अंक के बाद तो मतलब 1, 2, 3, 4, 4 ही का आंसर।